ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। विदेशी महिला रेसलर से उन्हें पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। अंजाम इतना दर्दनाक रहा कि राखी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। उन्हें रिंग में रेसलर रोबल से इसी पिटना हानि मिली कि वे 8-10 मिनट तक सूद में खो बैठी। उन्हें कमर में चोट लगी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मांजरा। दरअसल राखी सावंत पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित CWE रेसलिंग प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी। एक दिवसीय CWE चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खिलाड़ी द ग्रेट खली समेत कई बड़े रेसलर आए थे। चैंपियनशिप के दौरान महिला रेसलर रोबेल ने रिंग में पहुंचकर पंचकुला महिलाओं के मुकाबले के लिए चुनौती दी। रेसलर ने कहा, नहीं दी पंचकुला की किसी महिला में दम है तो वह उससे आकर मुकाबला करे। वह मुझे सभी लोगों ने चुप्पी साध कर ठीक समझा, लेकिन चुनौती का नाम सुनते ही राखी सावंत जोश में होश आ गई। रोबल के चैलेंज को स्वीकार करते हुए राखी रिंग पर पहुंच गई। राखी रोबल से बोली कि पहले वह अपने चैलेंज का पूरा करे। राखी ने रोबल के सामने डांस का चैलेंज रखा। चैलेंज के मुताबिक रोबल एक गाने पर राखी के साथ डांस किया, लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ रोबल ने राखी को कंधे पर उठाकर जोर से नीचे फेंक दिया। PM News 24 की रिपोर्ट।